नमस्कार, मैं तबस्सुम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अभ्यास करेंगे स्पाइन के लिए बहुत ही उचित आसन सुप्त कपोत आसन का, जिससे आपके स्पाइन में अगर पेन रहता है तो वह आपको बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। तो आइए करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहले मैट पर बिल्कुल ठीक से स्पाइन को बिल्कुल फ्लैट करके लेट जाएं। अपने पैर मैक्सिमम पास में ले आएं। राइट पैर को इस तरह 60 डिग्री यानी आपका नी बैंड हो और उतना उठाएं। दूसरे पैर को उस पैर से क्रॉस करें इस तरह। अपने दोनों पैर से अपने राइट लेग को होल्ड करें और अपने पैर को अपनी तरफ खींचें और यह जो बैंड पैर है इसको बाहर की तरफ पुश करें इस तरह। ये पैर जो बैंड है वो है अपनी तरफ खींचें, जो दूसरे पैर को क्रॉस कर रहा है उसको बाहर की तरफ पुश करें। धीरे धीरे इसको नीचे ले आएं। लेग चेंज करें, अब जो क्रॉस था उसको सामने रखें। दूसरे पैर को उससे क्रॉस करें, बेंड पैर को हाथ से होल्ड करें और अपनी तरफ पुश करें। क्रॉस लेग को बाहर की तरफ पुश करें, अच्छे से खींच के रखें। कंटिन्यूसली अंदर की तरफ खींचते जाएं और दूसरे पैर को बाहर की तरफ पुश करते जाएं। हाथ से ढीला छोड़ें, दोनों पैरों को सीधा करें। स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स, हिप रीजन को ढीला छोड़ें। आइए बात करते हैं इस आसन के लाभ की। यह आसन आपके स्पाइन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके स्पाइन में, अपर स्पाइन में और लोअर स्पाइन के बीच में एक हंच आता है तो आप इसका रेगुलर अभ्यास करें, यह आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। अगर आपको हिप रीजन में या लव हैंडल साइड में, ये जो साइड्स के फैट्स होते हैं, अगर इनमें पेन रहता है, आपको बहुत ज़्यादा फैट है और उसमें पेन रहता है तो आप इस आसन का उपयोग करें, यह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगर आपको शोल्डर के पीछे यानी शोल्डर ब्लेड्स के आसपास, नेक के पीछे अगर स्वेलिंग है और बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो ये आसन आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप इसका रेगुलर अभ्यास करें। ध्यान रखें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो जो पैर हमने सीधा सामने की ओर उठा के बैंड किया है आप उसको वॉल का सपोर्ट कर सकते हैं। आप वॉल के सामने पैर रखें और अपने हाथ से खींचे पैर को। धन्यवाद।